ये है आपकी होममेड एलपीजी गैस, एलपीजी गैस, एलपीजी गैस। आज हम सीखेंगे सबसे पहले कि किस प्रकार से, अगर मान लीजिए घर पर अगर आप लोगों के सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, सिलेंडर जो घर के अंदर यूज़ होता है कुकिंग पर्पज़ के लिए, जिसके अंदर लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी फिल होता है, अगर वो गैस अगर ख़त्म हो जाती है तो क्या देसी जुगाड़ है जिसके ज़रिए हम एलपीजी, वो भी होममेड यानी कि अपने आप इमरजेंसी माहौल में बना सकते हैं। परंतु पहले ही आप लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ, ये केवल और केवल प्रशिक्षित व्यक्तियों के नज़र में ही ये सारी काम करने हैं। आप लोगों को अपने तरीके से इसको करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, तो चलिए हम समझना चालू करते हैं कि किस प्रकार से नेचुरल होममेड एलपीजी गैस हम बनाते हैं। आप लोगों को बता दूं, ये वाली जो बोतल है, इस वाली बोतल के अंदर मैंने पेट्रोल फिल किया हुआ है। इसमें क्या है, इसमें ये पेट्रोल है। ठीक है सर, इसके अंदर क्या है, इस वाली बोतल के अंदर ये पानी भरा हुआ है सर। ठीक है, ये दो चीज़ें तो हमें समझ में आ गई। अब कैसे क्या सेटअप हुआ वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इसमें जो मुख्य किरदार है वो है इसका, एयर ब्लोअर का। ये एक्वारियम मछली का जो पॉट होता है उसके अंदर जिस प्रकार से वो ऑक्सीजन की कमी को फिल करता है, यानी कि जितनी भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पानी के अंदर, उसकी वजह से जो मछलियाँ होती हैं वो मर जाती हैं। तो वो मरे नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं, बाहर से जो एयर होती है उसको हम पानी के अंदर क्या करते हैं, डिसॉल्व करवाते हैं। तो पानी को वहाँ, पानी के अंदर एयर को भेजने का काम करता है ये एयर ब्लोअर। तो ये एयर ब्लोअर का अपना काम रहेगा। सर इसकी चलिए क्या काम होगा ज़रा बताइए आप। सबसे पहले तो ये एयर ब्लोअर है, इसको हम इसमें कनेक्ट करेंगे। जब ये मशीन जब स्टार्ट होगी तो ये एटमॉस्फेरिक एयर को यहाँ से ले लेगी, और एटमॉस्फेरिक एयर को यहाँ से लेने के बाद में ये इस पाइप से होते हुए ये इस वाली बोतल के अंदर यहाँ पर एयर सप्लाई करी जाएगी। तो ये जो एयर वाली जो ये पाइप है, इसको हम नीचे तक लेके जाएंगे, नीचे तक लेके जाएंगे, और इसमें ऑलरेडी हमने पहले से ही पेट्रोल फिल किया हुआ है। ध्यान रहे, पेट्रोल का लेवल ऊपर है और जो पाइप हमने एयर वाला भेजा है उसका लेवल नीचे है। तो होगा क्या, यहाँ से जब एयर निकलेगी तो एयर क्या है, गैस है, हल्की है, तो बुलबुला बनकर के ये ऊपर उड़ती हुई आएगी। तो वो एयर क्या होगी, पेट्रोल के अंदर वोलेटाइल हो जाएगी, हल्की है इसलिए ये ऊपर आ जाएगी। अब जब ये गैस ऊपर आ जाएगी तो यहाँ तक पेट्रोल भरी हुई थी, वहाँ तक तो ये बुलबुला बन के आया। जैसे ही इसका लेवल यानी कि पेट्रोल का एक लेवल आ गया, उसके बाद में खाली स्पेस है, तो खाली स्पेस के अंदर वो गैस रिलीज हो जाएगी, यानी कि एयर रिलीज हो जाएगी। और एयर के अंदर अब क्या आ चुका है, पेट्रोल के कुछ पार्टिकल्स एयर के साथ में मिक्स हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से जो एयर है वो ऊपर की तरफ आएगी। अब यहाँ से कंटिन्यूसली हमने क्या किया हुआ, एयर की सप्लाई देते जा रहे हैं, तो एयर की सप्लाई यहाँ से कंटिन्यूसली जा रही है, जिसकी वजह से एक प्रेशर डिफरेंस आ गया है। यहाँ से प्रेशर हाई है और ये प्रेशर इसके अंदर बिल्डअप होता रहेगा। जैसे ही इसे किसी और रास्ते से निकलने का रास्ता मिलेगा, वहाँ से ये गैस निकलेगी। तो हमने क्या किया है, इसी बोतल में एक दूसरी जगह एक दूसरा होल कर दिया है, उसमें हमने ये दूसरा पाइप लगा दिया है। अच्छा, ये वाला जो दूसरा पाइप है इसे भी हम जड़ तक यानी बॉटम तक लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि इस वाले पाइप के जरिए हम इसमें जो ये वॉलेटाइल होकर के जो ये एयर पेट्रोल के साथ में वॉलेटाइल होकर के जो ये एयर है उसको हमको अब दूसरी बोतल में भेजना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इस वाले पाइप को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, इसको पेट्रोल के लेवल के नीचे नहीं ले जाएंगे, पेट्रोल के लेवल के ऊपर रखेंगे, ताकि जो गैस है वो इसके अंदर से जा सके। तो अब ये जो एयर है वो अब इसके अंदर आएगी। अब ये वाला जो पाइप है, ये वाला पाइप हमारा ये दूसरी बोतल के अंदर बिल्कुल बॉटम तक है, बॉटम तक। सर इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर लिक्विड वाटर है, यानी कि इसके अंदर पानी भरा हुआ है सर। ठीक है, अब आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ से जो वॉलेटाइल एयर है जो आपके पेट्रोल में डिजॉल्व होकर के आई है, तो वो वाली एयर यहाँ से आपके
पानी के अंदर आया, तो पानी के अंदर भी सर जब एयर जाएगी तो वो भी बुलबुला बन के निकलेगी, ठीक है सर। तो अब ये बुलबुला बन करके जब ये इधर से आएगा तो इस वाली बोतल के ऊपर वाले खाली सेक्शन में जो खाली वॉल्यूम है इसमें ये गैस फिल हो जाएगी। अब आपने क्या किया है कि दूसरी वाली बोतल के अंदर भी हमने क्या किया, एक यहाँ पर होल कर लिया है और यहाँ पर भी हमने इतना पाइप अंदर किया ताकि ये पानी के अंदर तक ना जाए, पानी के ऊपर वाली खाली स्पेस तक ये पाइप रहे और उसका दूसरा एंड हमने बाहर निकाल लिया। ऐसा इसलिए ताकि इस बोतल के अंदर अब जो गैस कलेक्ट होगी वो गैस इस वाले पाइप से आ जाए। समझ में नहीं आ रहा हमारे कि आखिरकार आपने ये वाली बोतल के अंदर पानी क्यों भरा, क्योंकि अगर आपको आग लगानी है, एलपीजी गैस बनानी है, वो तो इस वाले पाइप से डायरेक्ट आप इसको हटा दो तो डायरेक्ट यहाँ से भी सप्लाई आ सकती है, यहाँ से भी हम जलाएंगे तो आग लग जाएगी। फिर आपने पानी का यूज़ क्यों किया? क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि जो भी एक्सपेरिमेंट आप करते हैं उसमें हमको सबसे पहले सेफ्टी और प्रिकॉशन का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि किस प्रकार से हमें हमारे प्रिकॉशंस लेके चलने हैं ताकि हैजार्डियस एक्सट्रीम सिचुएशन पर हम ना पहुँचें, कोई भी किसी प्रकार से कोई भी ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन ना आए जिसकी वजह से आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए या कोई हताहत ना हो जाए, ठीक है। तो आप ध्यान दें, जब मैं इसमें से जो फाइनली जो हमारी गैस निकलेगी जब मैं उसे जलाऊंगा तो यहाँ से एलपीजी गैस जलेगी। अब हो ये सकता है कि मान लीजिए कि अगर ये गैस यहाँ से बंद नहीं हुई, जो आग निकल रही है, अगर ये जलना बंद नहीं हुई तो हो सकता है कि पाइप के अंदर गैस चली जाए, आग चली जाए। अब आग गई मान के चलिए, यहाँ तक आग आ गई, ध्यान से सुनना सारी बातें, जब ये आग यहाँ तक आ गई तो इसका जो ये एम्प्टी स्पेस है उसके अंदर तो गैस है, कौन सी वाली, वही एयर जो कि पेट्रोल में डिजोल्व होकर के आई है, तो यहाँ पर वो गैस आ चुकी है, तो वो बेटा गैस क्या हो जाएगी, जलने लगेगी, परंतु पानी होने की वजह से वो पानी के नीचे नहीं जा पाएगी। और इस वाली गैस, इस वाले बोतल से जो गैस आ रही है वो इस पाइप के जरिए आ रही है जो कि पाइप पानी के नीचे है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस बोतल के अंदर जितना स्पेस है उसके अंदर जितनी मात्रा में गैस बची होगी उस वक्त केवल उतनी ही जलेगी, इसीलिए ज़्यादा एक्सट्रीम कोई ब्लास्ट नहीं होगा। ये हमारा सेफ्टी प्रिकॉशन है, वरना मैं तो इसे यहाँ से निकाल करके डायरेक्ट यहाँ से जला भी सकता था, परंतु अगर सोचिए डायरेक्ट मैं अगर यहाँ से जलाता और अगर ये गैस जलते हुए पीछे जाती तो ये तो पूरा पेट्रोल भरा हुआ है, ये तो पूरी गैस पेट्रोल वाली ही है, तो इसमें धमाका होता जिसमें आपके चिथड़े उड़े जाते और आप तंदूर चिकन बन जाते, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है, कभी भी हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है उस एक्सपेरिमेंट से बचने के लिए हमें हमेशा क्या करना है, अपना प्रिकॉशंस देखने हैं कि किस प्रकार से हम सावधानी बरतें कि एक्सट्रीम सिचुएशन आए ही नहीं। तो ये हमारा एक जस्ट अ प्रिकॉशन है, ठीक। दूसरी एक और चीज़, सर आपने हमको एक और चीज़ बताई थी कि कभी भी अगर हम आग लगाते हैं तो आग जो होती है, फायर जो होता है, वो केवल और केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही चलता है। तो सर मान लीजिए कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अगर इस पाइप के अंदर वो आग जा रही है, आपको दिख रहा है कि आग जा रही है अंदर, या इस बोतल के अंदर जा रही, जा पहुँच चुकी है, बोतल के अंदर आग लग रही है, तो 100% गारंटी है कि पानी की वजह से यहाँ से, तो चलो मान लीजिए सप्लाई हमने बंद कर दी, पानी के नीचे से तो ऑक्सीजन आ नहीं सकती, पानी के अंदर ऑक्सीजन आ किससे रही होगी, इसी वाले पाइप से, तो आपको बेटा तुरंत इस वाले पाइप को बंद कर देना है, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी, तुरंत अंदर की आग बंद हो जाएगी, ठीक। दूसरी एक और चीज़, जब इसके अंदर से जब आग निकलेगी उसको बुझाने का एक और तरीका है कि सर देखिए ये आग जल क्यों रही है, क्योंकि इसके अंदर से गैस जो निकल रही है वो बाहर की जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें जो ऑक्सीजन है वो उसकी प्रेजेंस में ही जल रही है। अगर आप क्या करेंगे, इसको साइड से अगर ऐसे बंद कर लेंगे तो पेट्रोल क्या होती है, ठंडी होती है, कभी हाथ पे लेके देखना तो ये ठंडी होती है, तो साइड से कर लोगे तो उंगलियां जलेंगी नहीं, ठीक है, परंतु इसमें आसपास से ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण आग तुरंत बंद हो जाएगी, आग तुरंत लगना बंद हो जाएगी। समझ में आया? एक और तरीका है, किसी को अगर ये लगता है कि सर मेरी उंगली जल सकती है, थोड़ा सा छाला हो सकता है, मैं बहुत नाजुक हूँ, बहुत सॉफ्ट हूँ, इतना सा भी नहीं जलाना चाहता अपने आप को, तो भैया यहाँ से जो हमने एयर ब्लोअर जो हम लगाएंगे इसको ही कनेक्ट बंद कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, करना बंद कर देंगे, तो इधर से क्या होगा, जो गैस बन रही होगी, जो गैस आ रही होगी, वो गैस यहाँ से सप्लाई होना बंद हो जाएगी, जब गैस ही निकलना बंद हो जाएगी, यानी कि वॉलेटाइल पेट्रोल में
जो एयर सप्लाई हो रही है जब वही आना बंद हो जाएगी तो आग लगना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो ये मैंने पूरा का पूरा ये पूरा सेटअप आपको कन्वे कर दिया है, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। अब ऐसा होता है क्या नहीं, अपन इसको करके देखते हैं। चलिए अब हम इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। आपने सर पूरा डिस्क्राइब तो कर दिया है, तो क्या ये ऐसा काम भी करता है या नहीं, तो इसको हम करके देखते हैं। तो भैया पहले ही बोल रहा हूँ, बड़ी सावधानी से आपको ये सारे काम करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ से एयर ब्लोअर कनेक्ट करना रहेगा। ये देखें, ये आपका LPG निकल रहा है। ध्यान से देखें, ये पाइप नहीं जल रहा है। कुछ लोग बोले सर प्लास्टिक का पाइप है इसलिए जल रहा है, ये प्लास्टिक का पाइप नहीं है, ये हमारी इसके अंदर से LPG गैस निकल रही है जो जल रही है। अरे तो भाई हम यहाँ से बंद कर देते हैं, ठीक। उपयोग फिर से मैं अभी आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ, फिर से आप लोगों को कनेक्ट करके दिखाता हूँ। जरा आप लोग ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को इस प्रकार से ये कर देना है। इसके ऊपर अपने आप गैस रख दें, चूल्हा रख दें, चाय बनाएं, खिचड़ी बनाएं, जो भी बनाना है बनाएं, कर सकते हैं। बेटा ये आप लोगों को देखने पर लग रहा होगा कि सर ये इसके अंदर से गैस निकल रही कि निकल रही, गैस निकल रही भैया, इतनी जोर से तो कोई जल ही नहीं सकता किसी प्रकार से। देखो आप, निकल रही है। सभी लोगों को कन्फर्म हो रहा है, कन्फर्म हो रहा है किसी प्रकार। ये है आपकी होममेड LPG गैस। समझ में आया क्या आप लोगों को? LPG समझ में आया? होममेड LPG है ये? समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है?